हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IPv4 क्लासेस के बारे में कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की कितनी क्लास होती है और हम उसका यूज कहां पर करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि IP एड्रेस क्या होता है और उसके कितने वर्जन होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा कि IPv4 क्या होता है और उसकी क्लासेस क्या होती है। तो हम इसकी क्लासेस के बारे में जान लेते हैं। IPv4 के बारे में मैंने आपको बताया था कि IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये एक तरह का एड्रेस होता है। इसी की हेल्प से हम जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या जो राउटर्स होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पर। तो हम बेसिकली उनकी क्लासेस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और उनकी क्या रेंज होती है। तो जो IP एड्रेस होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, नंबर 1 नेटवर्क आईडी और नंबर 2 होस्ट आईपी। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हम इनकी क्लास देख लेते हैं। इसकी 5 क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इनकी अपनी एक रेंज होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जो हमारे IP एड्रेस होते हैं उनकी जो लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट होती है 0 से लेकर 255 तक होती है। इससे ज्यादा आपको वैल्यू देखने के लिए नहीं मिलेगी किसी भी IP एड्रेस के अंदर। तो इनकी रेंज हमने डिवाइड की हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो क्लास ए की रेंज होती है वो होती है 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255 तक होती है। क्लास बी की रेंज होती है 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255.255 तक होती है। क्लास सी की होती है 192 से लेकर 223.255.255.255 तक होती है। क्लास डी की रेंज होती है 224.0.0.0 से लेकर 239.255.255.255 तक होती है। क्लास ई की रेंज होती है 240.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक होती है। तो आपको यहाँ पे जो मैंने आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई की IP एड्रेस की जो रेंज बताई है आपको 0 से लेकर 250 के बीच में वैल्यू देखने के लिए मिली होगी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि इसकी मिनिमम रेंज ये होती है और मैक्सिमम ये होती है IP एड्रेस की जो रेंज होती है। अब इनको हमने डिवाइड किया हुआ है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई में। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां कहां पर यूज की जाती है। आपको यहाँ पे एक वैल्यू नहीं दिख रही होगी जो कि स्टार्ट होती है 127 से लेकर। जो 127 होता है ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255। ये लूपबैक के लिए एलोकेट की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके लिए फिक्स है। लूपबैक क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं और ये रेंज जो है कहां पर हम यूज करते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग से समझते हैं। मैंने आपको रेंज बता दिया कि जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की जो रेंज होती है इसको हम कॉमनली यूज करते हैं अपनी नेटवर्किंग में। जो हमारा लैपटॉप होता है उसको हम जो असाइन करते हैं IP एड्रेस, या जो राउटर होता है या जो कुछ सिम होता है उसको भी हम IP एड्रेस एलोकेट करते हैं जिससे कि वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके। कोई भी हमारा सिम है हम उसमें रिचार्ज करा लेते हैं, किसी भी कंपनी का सिम है। तो INA एक क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हमें ग्लोबल IP एड्रेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें कब मिलती है, जब हम रिचार्ज करा लेते हैं, वो सर्विस के अकॉर्डिंग मिलती है, फिर उसके बाद हम इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हैं। तो जो हमारी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी होती है इनकी जो रेंज है यहाँ पे वो हमें बेसिकली प्रोवाइड की जाती है। इसी रेंज की IP एड्रेस हमें प्रोवाइड की जाती है। अभी आपको आगे पता चलेगा क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में क्या डिफरेंस होता है। अभी आप सिंपली समझिए कि जो क्लास ए, बी और सी की जो रेंज है वो कॉमनली नेटवर्किंग में यूज की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास डी। क्लास डी की ये किया जाता है एक ग्रुप के अंदर यूज किया जाता है, या मैं बोल सकता हूँ मल्टीकास्टिंग के लिए क्लास डी की IP एड्रेस की जो रेंज है वो यूज की जाती है। सपोज कीजिए जैसे कि हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप हो गया या टेलीग्राम का ग्रुप हो गया, उसमें इसका यूज किया जाता है। अब हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल व्हाट्सएप है, ठीक है, हमारे लैपटॉप के अंदर, और लैपटॉप के अंदर हमारी IP एड्रेस है जिस IP एड्रेस पर हमारा लैपटॉप वर्क कर रहा होगा, तो कोई भी मैसेज ट्रांसफर और रिसीव होगा तो वो हमारा जो लैपटॉप है या जो जो लैपटॉप हमारा जिस राउटर से कनेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर और रिसीव होगा डेटा। और
हमारा जो व्हाट्सएप हमारे लैपटॉप के अंदर वर्क कर रहा होगा उसका एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, तो वो डिवाइस के अकॉर्डिंग ट्रांसफर और रिसीव होगा क्योंकि इंडिविजुअल है वहां पे। अब हम बात करते हैं अगर जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है किसी बंदे ने मैसेज को ट्रांसफर किया तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस पर शेयर करना है, क्योंकि उसके पास तो मल्टीपल जो रिसीवर है, मल्टीपल रिसीवर है रिसीव करने के लिए मैसेज को, तो वहां पर इस रेंज की आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। मैसेज एक को शेयर नहीं करना, मल्टीपल पर्सन को शेयर करना है, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पर शेयर करना है, तो वहां पर इस टाइप की आईपी एड्रेस यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं क्लास ई। क्लास ई की जो आईपी एड्रेस होती है ये रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मिलिट्री में यूज किया जाता है, आर्मी वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो मैन हमारे पास यहाँ पे है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की रेंज हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं बेसिकली। अब आप सोच रहे होंगे कि 127 आईपी की रेंज कहाँ पर चली गई, ये यूज की जाती है लूप बैक के लिए। लूप बैक के लिए हम कैसे यूज करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी लैपटॉप है, ठीक है, आप पता लगाना चाहते हैं कि जो आपका लैपटॉप है वो टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश कर पा रहा है या नहीं, ठीक है, या आप जानना चाहते हैं कि आपके लैपटॉप में किसी भी जिससे कि वो इंटरनेट कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सके उस तरह का कोई भी इशू तो नहीं है। तो बेसिकली जब हम आप अपने लैपटॉप पे जाना, सीएमडी कमांड पे जाना, ठीक है, सीएमडी को ओपन करना और उस पे कमांड चलाना पिंग, और फिर इस रेंज की कोई भी आईपी एड्रेस दे देना तो आपको पिंग मिल जाएगा, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के भी आपको उसमें पिंग मिल जाएगा। तो आप समझ लेना कि आपका जो लैपटॉप है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट करता है अपने आप को खुद से, तभी इसका नाम रखा गया है लूप बैक, ठीक है। तो जो आपका एनआईसी कार्ड होता है लैपटॉप के अंदर, ठीक है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है, उसी को ये टेस्ट करता है, ठीक है, उसी की टेस्टिंग पर्पज के लिए ये यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज किया जाता है कि आपका लैपटॉप, जिससे कि आप खुद को टेस्ट कर सको, खुद के लैपटॉप को टेस्ट कर सको। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा, ये कभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा कि आपको लैपटॉप पे कैसे टेस्ट करना है। अब हम समझते हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास डी। इसमें जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये समझिए जो आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के कॉम्बिनेशन से मिलता है, बनता है, ठीक है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, मैंने आपको बताया था फोर ऑक्टेट होता है, मैंने यहाँ पे फोर ऑक्टेट लिए, यहाँ पे भी फोर ऑक्टेट लिए, यहाँ पे भी फोर ऑक्टेट लिए। जो आईपी एड्रेस होता है उसमें कितने ऑक्टेट होते हैं, फोर ऑक्टेट होते हैं। अब क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हम, वो करते हैं नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क के अकॉर्डिंग। तो क्लास ए में जो नंबर ऑफ नेटवर्क होता है वो वन ऑक्टेट में होता है और बाकी के ऑक्टेट में होस्ट आईडी होती है। क्लास बी में स्टार्टिंग में नंबर ऑफ नेटवर्क जो होता है वो दो ऑक्टेट में होते हैं, बाकी के दो में होस्ट आईडी होती है। क्लास सी में स्टार्टिंग के थ्री ऑक्टेट में नेटवर्क आईडी होती है, लास्ट के ऑक्टेट में होस्ट होता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। और जो नेटवर्क आईडी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ये बात आपको याद रखना है, होस्ट चेंज हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क आईडी कभी भी चेंज नहीं होती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिया 192.168.3.2, तो ये एक आईपी एड्रेस है। अब इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपसे पूछ लेंगे कि क्लास बी की रेंज बताइए हमें, तो आपको ये रट लेनी है अच्छे से, ठीक है। दूसरी चीज पूछ सकते हैं, आपको कोई भी आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे कि इसकी आप हमें नेटवर्क आईडी बताइए और ये भी बताइए कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो 192 किससे स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 223 तक होता है। तो ये कहां पर लाई करेगा, ये यहां पर लाई करेगा क्लास सी के अंदर। तो इसकी क्लास कौन सी हो गई, क्लास सी हो गई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पता चल गया कि हम क्लास कैसे निकालेंगे। सेकंड निकालना है हमें कि नेटवर्क आईडी क्या है, कि नेटवर्क आईडी का हम कैसे पता लगाएंगे इस आईपी एड्रेस के थ्रू। तो हमें पता चल गया कि ये क्लास सी की है, हम यहाँ पे क्लास सी पे आ जाएंगे। क्लास सी पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या होते हैं, नेटवर्क होता है जो कि चेंज नहीं होता है। तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रख देंगे 192.168.3 स्टार्टिंग की 3 बिट, और जो लास्ट की बिट होती है उसको हम जीरो कर देंगे। होस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से, हमने यहाँ पे क्या किया, जीरो कर दिया। तो इसकी नेटवर्क आईडी यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है, जो कि ये चेंज नहीं होगी। अब
इसमें लास्ट में क्या है, होस्ट है, होस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक राउटर है, सपोज कीजिए ये एक राउटर है, ठीक है, इस राउटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट है, ठीक है, इन सब की जो नेटवर्क आईडी रहेगी इन लैपटॉप की वो ये रहेगी, लास्ट में जीरो है, ठीक है, 192.168.3.0 ये नेटवर्क आईडी रहेगी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हमारा होस्ट चेंज हो सकता है। होस्ट का मतलब आप समझ सकते हो एक तरह से नंबर ऑफ यूजर्स। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लैपटॉप है तो 192.168.3.2 हो गया हमारा, ठीक है, सपोज कीजिए 1 का ये हो गया। सेकंड लैपटॉप का लास्ट में आप 3 कर सकते हो, थर्ड लैपटॉप का आप इसमें लास्ट में 4 कर सकते हो, मतलब 192.168.3.4। तो हमारे होस्ट जो होते हैं, होस्ट क्या है, लास्ट बिट, ये चेंज हो सकती है। आप जितनी इसकी लिमिट होती है, जो कि हमारा जो लास्ट का जो ऑक्टेट है वो जितने नंबर चेंज कर सकता है, ठीक है, आप उतने यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यानी कि 255 तक आप कनेक्ट कर सकते हो। इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है, 255 तक, यहाँ पे 2 है, ठीक है, सपोज कीजिए 2 से लेकर आपको 100 लैपटॉप कनेक्ट करना है तो 102 तक आप कर सकते हो, ठीक है, 102 तक इसको कंसिडर कर सकते हो, तो आपके 100 लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा। आपको और ज्यादा कनेक्ट करना है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 255 तक, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ होस्ट है लास्ट की बिट, लास्ट के ऑक्टेट में आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन नेटवर्क आईडी यही रहेगी सबकी। आपके जितने भी लैपटॉप है ना, लैपटॉप 1, 2, 3, 4, 100 तक जितने भी है आगे भी 255 तक, उन सबकी नेटवर्क आईडी यही रहेगी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया, इनकी आईपी की रेंज मैंने आपको बता दी, मैंने आपको बता दिया जो आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क आईडी चेंज नहीं हो सकती, होस्ट आईडी चेंज हो सकती है, और क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में आपको डिफरेंस बता दिया कि क्लास ए के फर्स्ट ऑक्टेट में नेटवर्क एक ऑक्टेट में रहेगा, बाकी के में होस्ट रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। तो इनमें हमें बेसिकली ये भी देखने को मिलता है कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क कम है, होस्ट ज्यादा है, ठीक है, मतलब हम ज्यादा यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन नेटवर्क कम रहेगा। क्लास बी के अंदर इक्वल रहेगा, क्लास सी के अंदर नेटवर्क ज्यादा रहेगा लेकिन होस्ट कम रहेगा। हम बस 255 तक ही मैक्सिमम होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम क्लास सी की आईपी एड्रेस को यूज करेंगे, ठीक है, इतने यूजर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ओवरऑल समझा दिया, लूपबैक भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाली है, वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ कंप्लीट कोर्स को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।